हेलो एवरीवन, इस लेक्चर सीरीज में आप नेटवर्क एनालिसिस को जानेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप नेटवर्क एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। कभी भी कोई नेटवर्क की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर हमारा नेटवर्क बना होता है, नंबर ऑफ सोर्सेज से मिलकर नेटवर्क बना होता है। यदि कोई नेटवर्क है, उसका नेटवर्क हमारा गिवन है, उसे हम कोई एक्साइटेशन देते हैं, रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका होता है नेटवर्क एनालिसिस के अंतर्गत। और यदि आपके पास कोई नेटवर्क है, आपको नहीं पता नेटवर्क क्या है, आपको एक्साइटेशन देते हैं, आप जानते हैं कि आपको रिस्पॉन्स जो है उसका इस टाइप का चाहिए, ये रिस्पॉन्स आप चाहते हैं, डिजायरेबल आपका रिस्पॉन्स, आपको पता है क्या है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको नेटवर्क को डिजाइन करना होता है, वो आता है नेटवर्क सिंथेसिस के अंतर्गत। तो नेटवर्क थ्योरी ये दो भागों में बटा हुआ सब्जेक्ट है। फर्स्ट भाग है आपका नेटवर्क एनालिसिस, सेकेंड होता है नेटवर्क सिंथेसिस। इस लेक्चर सीरीज में आप नेटवर्क एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। कोई भी नेटवर्क होता है, हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ सोर्सेज से मिलकर बना होता है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोर्सेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? करंट होता है, चार्ज होता है, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सबको आपस में किस तरह से आप रिलेट करते हैं, इनके क्या रिलेशंस होते हैं वो जानेंगे, उन्हें समझेंगे। नेटवर्क एलिमेंट्स की जब मैंने बात करी तो वो एलिमेंट्स होते क्या है? रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स भी होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। जब आप पैसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो कैसा एलिमेंट होता है? वो स्टैटिक एलिमेंट होता है। किसी भी एलिमेंट को आपको समझना है तो उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक से आप उसको समझते हैं। तो आप रेजिस्टेंस की वीआई कैरेक्टरिस्टिक से जानेंगे, उसे हम उसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आप जब कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करते हैं तो आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। क्यों स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है? क्योंकि वो डायनेमिक एलिमेंट होते हैं। डायनेमिक एलिमेंट का क्या मतलब है? उनके अंदर मेमोरी होती है, वो अपने अंदर कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ स्टोर करके रख सकते हैं मतलब वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। किस टाइप की एनर्जी? इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, जिसे हम बोलते हैं, रिलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो इन्हें आप समझेंगे, क्योंकि टाइम के मान से इनका रिस्पॉन्स चेंज होता है, इनका बिहेवियर चेंज होता है, तो उन्हें एनालाइज करते समय आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत रहेगी। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जानेंगे, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बायलेटरल, इनके बारे में आप जानेंगे। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, सिग्नल्स की बात करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज आपके सिस्टम में होते हैं, बहुत सारे टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। स्टेप हो सकता है इनपुट आपका, एक्साइटेशन, साइनसोइडल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, इम्पल्स हो सकता है, रैम्प हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे एक्साइटेशन आपके हो सकता है। मेनली इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में आप जिनकी बात करेंगे, वो एक्साइटेशन आपके कौन से रहेंगे? दो टाइप के रहेंगे। वो आपके रहेंगे डीसी एक्साइटेशन और एसी एक्साइटेशन। एसी एक्साइटेशन की जब हम बात करेंगे तो साइनसोइडल की कंडीशन में बात करेंगे, हम 50 हर्ट्ज सप्लाई हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा भी बाकी एक्साइटेशन को आप पढ़ेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप इन दो एक्साइटेशन पे बेस्ड ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जब भी कभी आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके दो रूल होते हैं। वो रूल कौन से होते हैं? किरचॉफ्स लॉ होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। ये दो बेसिक लॉ होते हैं, बिना इसके आप सर्किट थ्योरी समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको समझना जरूरी होता है। इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म होती है वो आपको जानना जरूरी होता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है वो आपको समझना जरूरी होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जब भी कोई नेटवर्क आपको गिवन होता है तो उसके सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स भी आपके पास में आपको नोन होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका सिस्टम जो है, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, तो आपको क्या उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको छोटा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसका रिस्पॉन्स ईजिली चेक कर पाए। आप 12th तक पढ़ के आए होंगे, सीरीज पैरेलल एनालिसिस किया होगा, रेजिस्टेंसेस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, यदि सीरीज में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो आप किस तरह से उनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं वो आपने पढ़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक बार फिर उसे देखेंगे। जब सर्किट बड़े हो जाते हैं ना, तब जरूरी नहीं है आपका सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही काम करे, तब आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार सर्किट सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो पाते। जब नंबर ऑफ सोर्सेज सर्किट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो आपको सर्किट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके साथ में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ये सब फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको करना होता है।
मतलब वोल्टेज सोर्स है यदि तो उसको करंट सोर्स में, और करंट सोर्स है यदि तो उसको वोल्टेज सोर्स में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो वो हम समझेंगे। जब आप केवीएल और केसीएल पढ़े हैं तो उनके साथ में यदि ओम्स लॉ भी अप्लाई किया जाता है तो नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस होता है हमारा, उन्हें हम जानेंगे। किस तरह से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, नोडल इक्वेशंस, मैश इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जब हम एसी की बात करते हैं तो स्टडी स्टेट होता है एनालिसिस, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, फॉर्म फैक्टर होता है, पीक फैक्टर होता है, ये सारी डेफिनेशंस जानेंगे क्या होती है। किसी भी व्यू फॉर्म के लिए, साइनोसॉइडल व्यू फॉर्म के लिए या किसी नॉन साइनोसॉइडल के लिए भी एवरेज वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आरएमएस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आप देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। जब हम एसी की बात करते हैं उसमें यदि आरएलसी एलिमेंट्स हमारे कनेक्ट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे रिस्पॉन्स हमें कैसा मिलता है वो हम जानेंगे। जैसे आरएल सर्किट यदि है तो उसका रिस्पॉन्स, करंट रिस्पॉन्स कैसा होगा, वोल्टेज रिस्पॉन्स कैसा होगा। जब रिस्पॉन्स मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ज्यादातर वोल्टेज एंड करंट की बात कर रही हूँ, रिस्पॉन्स मतलब वोल्टेज एंड करंट। तो हम इंडक्टिव सर्किट में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, कैपेसिटिव सर्किट में कैसा रहेगा, जब ये दोनों एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस के साथ में इनका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो हम जानेंगे। जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या हम मान लीजिए छोटे घरों की भी बात करते हैं जहाँ हम लोड ज्यादातर करें, घरों में तो ज्यादातर लोड आपके रेजिस्टिव रहते हैं, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रीज की बात आती है आपके ज्यादातर लोड जो रहते हैं वो इंडक्टिव रहते हैं। जब इंडक्टिव लोड आपका आता है तो आपका सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। पावर फैक्टर पुअर होने से बहुत सारे आपके ड्रॉबैक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? पावर फैक्टर पुअर हो जाने के कारण करंट बढ़ जाते हैं। करंट बढ़ने के कारण क्या होता है? आपको कंडक्टर का साइज बड़ा लगेगा। कंडक्टर का साइज बड़ा लगेगा मतलब मोटा कंडक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, इसी कारण से कॉस्ट बढ़ जाएगी सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ में लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो पावर फैक्टर पुअर होने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर जो रहती है उस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो हम किस तरह से कैपेसिटर को कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं हम वो देखेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जब हम इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, हमारा सर्किट जो रहता है कई बार मैग्नेटिकली कपल्ड भी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम वो जानेंगे, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कपल सर्किट का आप सॉल्व करते हैं वो डॉट रूल को लगाते हुए आप उसे समझेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जब एल और सी इन्वॉल्व हो जाते हैं एलिमेंट, ये जो दोनों डायनेमिक एलिमेंट्स हैं ये दोनों जब इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे सर्किट में तो एक कंडीशन और पैदा होती है, वो होती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है वो हम जानेंगे। रेजोनेंस जब आता है बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? क्वालिटी फैक्टर होता है, बैंडविड्थ होती है, डैम्पिंग फैक्टर होता है, ये सब हम जानेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है वो हम जानेंगे, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सारी थी स्टडी स्टेट की बात। जब हम ट्रांजिएंट की बात करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स होता है। जब हम नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करेंगे यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो ट्रांजिएंट की कंडीशन क्या होती है हम वो जानेंगे। मतलब ट्रांजिएंट मतलब जब हम स्विचिंग लाते हैं सिस्टम, सडन चेंज लाते हैं सिस्टम में, तो स्विचिंग के पहले हमारा सिस्टम कैसा था, हमारा नेटवर्क कैसा था, स्विचिंग के बाद उसके रिस्पॉन्स में क्या अंतर आ जाता है, वोल्टेज किस तरह से चेंज होता है, ये कब होगा? जब हमारे पास में आरएल सर्किट होगा, आरसी सर्किट होगा। डायनेमिक एलिमेंट्स के साथ में ही ये सब हो सकता है, स्टैटिक के साथ में तो ये सब हो नहीं सकता। स्टैटिक तो जो आपका रेजिस्टेंस आपने स्विच किया ऑन किया तब आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है वोल्टेज एंड करंट, स्विच ऑफ किया तब भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इनमें चूंकि डायनेमिक एलिमेंट्स होते हैं एल और सी, इनमें कुछ मेमोरी रहती है तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए स्विचिंग के बाद क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। तो किस तरह से चेंज होती है हम वो एनालाइज करेंगे। आरएलसी का बिहेवियर कैसा होता है स्टडी स्टेट में इनिशियली वो हम जानेंगे, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स जो हमने देखी, दूसरे तरह से यदि नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम नेटवर्क टोपोलॉजी के माध्यम से समझेंगे। ट्री क्या होता है, कोट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, उससे बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में वो हम जानेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स, कटसेट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हम समझेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। एक और चीज होती है ड्युअलिटी।
जैसे वोल्टेज करंट का ड्यूअल होता है, इंडक्टर कैपेसिटर का ड्यूअल होता है, नोडल मैश का ड्यूअल होता है, तो ड्यूअलिटी क्या होती है हम वो जानेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। कोई सर्किट आपको गिवन है तो उसका ड्यूअल सर्किट किस तरह से आप फॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे, तो इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम हम करने वाले हैं इसके अंतर्गत। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, प्रैक्टिकली हमारे नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारे नेटवर्क छोटे नहीं होते हैं, हमारे नेटवर्क बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी हम पढ़ने के लिए तो नेटवर्क एनालिसिस में बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल बातें करते हैं, पावर सिस्टम्स की बात करें, तो नेटवर्क बहुत बड़ा, हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। जब आप उसे एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप एनालाइज किस चीज़ को करते हैं, लोड के थ्रू जो रिस्पॉन्स है आपका, आप उसे देखना चाहते हैं। तो क्या होता है, सिस्टम जब प्रैक्टिकली बहुत बड़ा सिस्टम है आपका, और आप बार बार लोड के वेरिएशंस के कारण से रिस्पांस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो क्या आप बार बार पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे? नहीं। आप क्या चाहेंगे, आपका सिस्टम जो है वो एक छोटे से सिस्टम से रिप्लेस हो जाए, छोटे से नेटवर्क से रिप्लेस हो जाए, और बस जो लोड वाला पार्ट है हम उतना पार्ट को कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से यदि आपको सिस्टम को सॉल्व करना है, नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ थ्योरम्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से आप क्या करते हैं, सिस्टम को सिंप्लीफाई कर पाते हैं और एक छोटे से सिस्टम में चेंज कर लेते हैं, छोटे से नेटवर्क में चेंज कर लेते हैं, और फाइनली सिर्फ लोड को कनेक्ट करके, या लोड तो आपका कनेक्टेड ही होता है, बट लोड उससे कनेक्ट होता है तब आप लोड का जो रिस्पांस है उसे आप एनालाइज कर पाते हैं ये छोटे से सर्किट से या इक्विवेलेंट सर्किट से। तो नेटवर्क थ्योरम्स आप पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, जो कि आपस में एक दूसरे से ड्यूअल हैं, वो आप पढ़ेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, जरूरी नहीं है हमारा सिस्टम कभी एक ही कोई एक ही फ्रिक्वेंसी पर एक्साइटेशन उसे दिया गया हो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के उसमें सोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, तो आप सोर्सेज का रिस्पांस आप किस तरह से चेक करेंगे, क्योंकि सारे सोर्सेज एक साथ में कनेक्टेड और सारे फ्रिक्वेंसी अलग अलग हैं उनकी, तो उन्हें एनालाइज करने के लिए आप इंडिविजुअल सोर्सेज को एट ए टाइम कनेक्ट करते हैं, उससे रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, और ऐसे करके सारे रिस्पॉन्सेज फाइंड आउट करके और ओवरऑल रिस्पॉन्स आप फाइंड आउट करते हैं। ये करते हैं आप यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। जब मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होती है ना सिस्टम में, तब सिर्फ सुपरपोजिशन से ही आपका जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होता है, या आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, दूसरे किसी थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं वैसे। फिर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशंस क्या क्या होती है वो आप जानेंगे, जो ज़्यादा करके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होती है जब आपके सिस्टम की इफिशियंसी 50% होती है। तो ये 50% लॉसेज जो रहते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, सोर्स के जो रेजिस्टेंस है उसमें हो जाते हैं, सोर्स इम्पीडेंस जो होता है वहाँ हो जाते हैं 50% लॉसेज, जिसके कारण से इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। तो आप लो इफिशियंसी जो है इलेक्ट्रिकल में तो अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, जहाँ लो पावर की बात आती है, वहाँ जहाँ इफिशियंसी उतना मैटर नहीं करती है, जहाँ इम्पीडेंस आपको ज़्यादा इम्पीडेंस मैचिंग वाला जो प्रॉब्लम है, या जहाँ आपको मैक्सिमम पावर जहाँ मिले, वहाँ ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आप यूज़ करते हैं, जैसे लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरम्स आप पढ़ेंगे इस यूनिट में, जो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, मिलमेंस थ्योरम है, टेलीगेंस थ्योरम है, एक्सेट्रा आप पढ़ेंगे इसे। जब हम आदर्श सर्किट की बात करते हैं, तो हमारी इक्वेशंस जो रहती हैं, जो इक्वेशंस फॉर्म होती हैं वो कैसी रहती हैं, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, या हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। जब आप उनको क्लासिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आपका टाइम भी बहुत जाता है, लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है, और सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन में जो एनालिसिस किया है उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से थ्योरम्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो पढ़ेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, सब फ्रिक्वेंसी डोमेन में आ चुका है, आपका रिस्पॉन्स भी फ्रिक्वेंसी डोमेन में है, आप क्या देखेंगे कि आपको जरूरत क्या है, टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स चाहिए आपको, तो आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे, वेवफॉर्म का एनालिसिस करेंगे, वेवफॉर्म सिंथेसिस देखेंगे क्या होती है, शिफ्टेड फंक्शन कैसे होते हैं, और स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आप जानेंगे, उसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोई नॉन साइनसोइडल सिग्नल होता है, पीरियोडिक सिग्नल है कोई, वो नॉन साइनसोइडल है, तो उसको साइनसोइडल वेव में एक सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं फोरियर सीरीज। तो आप फोरियर सीरीज को एनालाइज करेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
जब हम सिस्टम की बात करते हैं, कोई नेटवर्क है आपका तो दो टर्मिनल्स आपके होते हैं इनपुट टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स आपके होते हैं आउटपुट टर्मिनल्स। तो जो सेट ऑफ टर्मिनल्स इनपुट वाले होते हैं उन्हें आप कहते हैं एक पोर्ट, दो टर्मिनल्स को एक पोर्ट कहा जाता है। और जो दो सेट ऑफ टर्मिनल, जो दो सेट रहते हैं आपके आउटपुट में जहां आप रिस्पॉन्स को कलेक्ट करते हैं, वो आपका कहलाता है आउटपुट पोर्ट। तो आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे, नेटवर्क फंक्शंस क्या होते हैं वो आप जानेंगे, ओपन सर्किट पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स फाइंड आउट करना जानेंगे, उनके रिलेशनशिप समझेंगे, एच पैरामीटर क्या होते हैं वो आप जानेंगे। एच पैरामीटर का सबसे ज्यादा उपयोग ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए किया जाता है, बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के लिए आप एच पैरामीटर को समझते हैं। तो एच पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इनवर्स एच पैरामीटर को भी जानेंगे जो कि कहलाते हैं जी पैरामीटर। फिर एक होते हैं एबीसीडी पैरामीटर जो आप पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स आप उन्हें समझेंगे। यहाँ पर टू पोर्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के आपस में क्या रिलेशन होते हैं, और जब नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनके इंटरकनेक्शन के फैशन पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, ये सारे सर्किट आप सॉल्व कर रहे हैं, नेटवर्क आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? जस्ट हमें पास होने के लिए नहीं करना है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन आप पावर सिस्टम में देखेंगे, एक्चुअल पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जब पढ़ेंगे, मशीन्स जब आप समझेंगे तब आपको क्या करना होगा, उसकी एफिशिएंसीज वगैरह सब कैलकुलेट करना है, लॉसेस कैलकुलेट करना है, तो उसके भी आप रिस्पांस वगैरह वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैसे करेंगे? ये जो आपके नेटवर्क के जो रूल्स में बोल रही हूँ, जो थ्योरम्स में बोल रही हूँ, ये सिर्फ नेटवर्क तो सीमित नहीं है, आपको केवीएल केसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको लगेगा, पावर सिस्टम में भी आपको ये चीजें यूज होंगी। थेवेनिन्स थ्योरम आप यूज कर रहे हैं पावर सिस्टम में भी, इसका एप्लीकेशन है, आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं वहां भी। तो आपको बाकी के जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए भी ये बेसिक सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, तो स्कोरिंग है। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यदि अपेयर होते हैं, गेट में अपेयर होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट यही होता है जो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ध्यान देके पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।